Good morning, friends. Welcome once again to the Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. Today, 22nd February 2019, Friday है, इस week का last trading session है और अभी सुबह के 8:07 हो रहे हैं. कल हमने देखा निफ्टी में फिर से एक बार bullish candlestick बना है, pivot bar reversal pattern बना था. कल के वीडियो में हमने discuss किया था और उसी के मुताबिक कल हमें थोड़ा सा निफ्टी में फिर से एक बार बाउंस बैक दिखाई दिया. तो क्या ये रैली बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है, क्या निफ्टी का लेवल्स होगा आज के लिए, इंट्राडे के लिए, वो देखेंगे. और आज जैसे कि फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, आने वाले वीक में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे ये देखेंगे. उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम हर रोज सुबह निफ्टी एनालिसिस का एक वीडियो पब्लिश करते हैं जिसमें इंट्राडे लेवल्स को डिस्कस करते हैं और इंट्राडे प्लान बनाते हैं. तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया है तो आपके मोबाइल के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन मार्केट आवर्स के पहले अराउंड 8:30 के आसपास आ जाएगी और आप उसे देख सकते हैं. ठीक है, और एक बात है, ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, ZERODHA और UPSTOX का. अगर आप इन दोनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग फैब की जो प्रीमियम सर्विसेज है वो आपको फ्री में मिल सकती है. तो अभी सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. तो ये एक पिक्चर है कल का, यानी 21 फरवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था अराउंड 10,753 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10,652. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हमारा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो उसके तुरंत बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 10,776 ये अचीव हुआ और उसके बाद सेकंड टारगेट भी 10,787 ये भी अचीव हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग अराउंड 30 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो यह था एक क्विकली रिव्यू कल के एनालिसिस का. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर, फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और फिर निफ्टी की में इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाएंगे. कल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा वीकनेस देखने को मिला, डाउ जोन्स नासडैक लाल निशान में बंद हुए. और यूरोपियन मार्केट की बात करें तो लंदन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली 61 पॉइंट की और जर्मन और फ्रांस मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर दिखाया, हालांकि हल्के से बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के जापानीज मार्केट, चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में भी प्रेशर दिखाई दे रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 9 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 21 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल थोड़ा ग्लोबल मार्केट से थोड़े वीकनेस, थोड़ा निगेटिव संकेत यहाँ पर हमें मिल रहा है. तो चलते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, मंथली चार्ट के बाद वीकली और फिर डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे. बैंक निफ्टी में ये जो आरएसआई है मंथली चार्ट में, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है. यानी ये जो डाउन ट्रेंड का ये जो ट्रेंड लाइन निकाला है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन में थोड़ा मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे सकता है. प्राइस एक्शन की बात करें तो ये जो बियरिश कैंडल है सितंबर मंथ का, स्ट्रांग बियरिश कैंडलस्टिक है, इसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है. ये लगातार पांचवा मंथ चालू है, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ना ही हाई ब्रेक हुआ है ना ही लो ब्रेक हुआ है. तो यहाँ पर जबरदस्त कंसोलिडेशन पैटर्न है. और तो और लास्ट मंथ यानी जनवरी मंथ का जो हाई है और लो, ये भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है. फेब्रुवरी मंथ खत्म होने में अभी फिलहाल चार ट्रेडिंग सेशंस बाकी है. तो इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है एज पर मंथली चार्ट. तो ये हाई और लो अगर ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन, शॉर्ट टर्म ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है. ठीक है, ऊपर में ये जो सितंबर मंथ का हाई है 28,200 के पास, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है. और ये जो 20 EMA एस पिंक लाइन आप देख रहे हैं, ये 25,465 के आसपास है. तो ये सपोर्ट का, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हैं. चलते हैं वीकली चार्ट में, ये है वीकली चार्ट. अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर और एक फिर से एक वेव बन रहा है. यहाँ पर ये जो वेव बना था इसके बाद अभी फिर से यहाँ पर एग्जैक्ट उसी बॉटम के पास इसने फिर से एक बार सपोर्ट लिया है और फिर से नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है.
तो यहाँ पर इसने फिर से 20 ए में ये जो पिंक लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। लास्ट वीक हमने देखा कि बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर आके क्लोज हुआ और उसके आज ये इस वीक में यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक दिखा रहा है। तो 20 ए में 26,800 एज पर वीकली चार्ट ये फर्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद ये ब्लू लाइन जो है ये नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि अराउंड 26,250 के पास है। तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स मूव करता है तो क्या लेवल्स होंगी, ठीक है ये देखते हैं। इसके लिए फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल हम ड्रॉ कर सकते हैं। पास्ट में यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 61.8% का ये जो लेवल था फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल का, यहाँ पर इसने ये अचीव किया ये लेवल और उसके बाद यहाँ पर फॉल आया। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट लेवल क्या हो सकती है एज पर वीकली चार्ट, तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ करें, यहाँ पर कुछ और लेवल्स मैं ऐड कर देता हूँ जैसे कि 23.6 ये फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स है, ठीक है 38.2 और 50%। तो 61.8% के लेवल के पहले ये सारे जो लेवल्स है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि 23.6 27,270 लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 27.270 का होगा, अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 27,784 का होगा, ठीक है। और ये भी लेवल्स अगर पार करते तो ये अराउंड 50% और 61.8% के लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखे जा सकते हैं। अगर ये पिंक लाइन को ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ 26,800 के नीचे क्लोज होता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट यानी 50 एएमए का ये जो वीकली चार्ट में ये जो लाइन बन रहा है ब्लू लाइन 26,250 के पास ये लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर लॉन्ग किसी को बनाना है पोजिशन तो इन लेवल के हिसाब से आप अपना ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। ये है वीकली चार्ट का सिनारियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर मैं इस 100 ईएमए को सिंपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर दूं 200 डेज के, तो आप देख सकते हैं फिर से 200 डेज का ये जो मूविंग एवरेज है इसने एग्जैक्ट सपोर्ट का काम किया है। पास्ट में भी यहां से बाउंस बैक हुआ था और अभी भी यहां से बाउंस बैक हो रहा है। तो अभी ये बाउंस बैक हो रहा है तो और कौन सा लेवल का टारगेट हमें यहां पर दिखा सकता है, तो यहां पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। इस ये जो फॉल आया है इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, तो कल हम देख सकते हैं एग्जैक्ट इसने 50% का ये जो लेवल है 27,103 ऑलमोस्ट अचीव किया है यहाँ पर। तो अगर इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हमें 27,218 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस एग्जैक्ट इसने 38.2% का यहाँ पर ये देखिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया और कल इसने ये लेवल ब्रेक किया और नेक्स्ट लेवल 50% का ये जो है 27,100 ये अचीव किया। अभी यहाँ पर 50% का ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, तो वेट कीजिए इसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करने दीजिए फिर ये 27,200 का लेवल हमें दिखा सकता है। और यहाँ पर सपोर्ट का लेवल अगर बात करें तो 50 ईएमए ये जो ब्लू लाइन है ये 26,900 यानी ऑलमोस्ट 27,000 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है तो फिर से 26,800 के लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो इन लेवल के हिसाब से अपना ट्रेड आप बना सकते हैं। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, क्विकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये है वीकली चार्ट और जैसे कि हमने इस फॉल का लास्ट पास्ट कुछ वीडियोस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करके यहाँ पर एनालिसिस किया था, तो इसके हिसाब से यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है। ऊपर 11,089 के लेवल से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ पर ये जो 10,675 है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे अभी क्लोज हुआ तो हमें डाउन साइड मूव दिखा सकता है। अभी फिलहाल ये फिर से यहाँ से रिकवर हुआ है, पेनेट्रेट हुआ ये लेवल और अभी ये 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एज पर वीकली चार्ट साइडवेज पैटर्न दिखाई दे रहा है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमने यहाँ पर कल एक सुपर पैटर्न देखा था, वीडियो भी हमने उसके ऊपर बनाया है पिवट बार रिवर्सल के ऊपर। तो यहाँ पर ये जब ऐसा पैटर्न बनता है डाउन ट्रेंड के बाद जब बुलिश कैंडल आता है और उसका हाई ओपन लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई ओपन और लो क्लोज से ऊपर होता है तभी यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल इसे कहा जाता है।
तो ये जब पैटर्न बनता है तो हमें अप ट्रेंड का ये सिग्नल मिलता है। कल के वीडियो में भी हमने दिखाया था, और यहाँ पर 100 ईएमए, 50 ईएमए और 20 ईएमए एज पर डेली चार्ट एग्जैक्ट एक ही लेवल के पास आ रहा है जो कि 10,800 का लेवल है। तो एग्जैक्ट इसने यहाँ पर कल रेजिस्टेंस फेस किया। अभी ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, तो ऊपर में हमें लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जो कि अराउंड 10,851 के पास है। अगर ये लेवल्स को ब्रेक करता है तो 50% का लेवल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 10,851 के पास। अभी फिलहाल ये हर्डल का काम कर सकता है ये लेवल 10,800। अगर किया तो ऊपर और भी हमें निफ्टी में अच्छे खासे लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है, तो इसका पास्ट में ऐसा पैटर्न आने के बाद क्या हुआ था ये भी देखते हैं। ये देखिए, कल के वीडियो में भी हमने यहाँ पर दिखाया था, ये एक पैटर्न है, सेम पैटर्न, डाउन ट्रेंड के बाद पिवट बार रिवर्सल है और फिर यहाँ से ये अप ट्रेंड, ठीक है। और एक पैटर्न देखते हैं, तो इस तरह से आप पिवट बार रिवर्सल पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे खासा अप ट्रेंड का सिग्नल होता है, और यहाँ से हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा पैटर्न बनने के बाद एक अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये है 60 मिनट का चार्ट है ये। अगर निफ्टी इंडेक्स कल का जो हाई बनाया है, ये कल का जो हाई बनाया है 10,809, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय कर सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली टारगेट होगा 10,825 का, और इसके बाद सेकेंड टारगेट होगा 10,851, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है निफ्टी इंडेक्स, तो ये पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है, पिवट पॉइंट का 10,773, ये अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे कंफर्टेबली सस्टेन करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,756, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,737। तो ये थी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का भी हमने एनालिसिस किया, आने वाले वीक में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं ये भी देखा हमने। तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।